गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता और समानता के बारे में। हमने स्वतंत्रता के बारे में जाना, समानता के बारे में जाना, उनके भेदों को समझा। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता और समानता में संबंध क्या हैं। स्वतंत्रता और समानता में जो संबंध हैं, उन संबंध के बारे में जानेंगे कि उनमें संबंध किस प्रकार से दर्शाए गए हैं। बच्चों, स्वतंत्रता और समानता में दोनों अवधारणाएं व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति स्वतंत्र जब है, जब वो समानता रखते हो समाज में। कुछ विद्वान दोनों को परस्पर पूरक मानते हैं तो कुछ एक दूसरे के विरोधी मानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता और समानता दोनों आवश्यक तत्व हैं। व्यक्ति समानता रखता है तो स्वतंत्र है। अगर उसे स्वतंत्र रखना चाहते हो तो समाज में समानता जरूरी है। तो देखो, पहला पॉइंट, विद्वान जो मानते हैं कि स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर विरोधी हैं, इस मत के सार्थक मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता में कोई समानता नहीं। लॉर्ड एक्टम कहता है कि समानता के आवेश में स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया गया है। इनकी मान्यता है कि इनकी मान्यता है कि प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है, तो योग्य तथा अयोग्य के मध्य समानता स्थापित करने का कोई मतलब नहीं है कि प्रकृति ने बनाया है ऊंच नीच। तो दूसरे क्या कहते हैं, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। इस मत के समर्थक है रूसो, पोलार्ड आदि। रूसो कहता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती, तो पोलार्ड कहता है स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यक्ति स्वतंत्र है तो समान भी तो होना चाहिए, और समान है तो स्वतंत्र भी तो होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता का प्रयोग करने का मौका हमें प्राप्त नहीं होगा। अगर समाज में सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह जाएगी, और आर्थिक समानता नहीं होगी तो संपूर्ण संपत्ति कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाएगी। गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और गरीब अमीर हो जाएगा। तो ये है बेटा स्वतंत्रता और समानता, इसके बारे में अध्ययन करना। आज आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया है। अगले चैप्टर अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।